की आवाज द वॉइस में हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि हम सिंक्रेटिक कल्चर की बात करें, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस की बात करें और गंगा जमुनी तहजीब की बात करें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, फिर से वापस हम वहीं पे आने वाले हैं जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम थे, और मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम वहीं हैं। हाँ, थोड़ी बहुत लोग, जो मैं जब सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी घबराहट है लोगों के अंदर, लेकिन वो सही हो जाएगी। So how to go shared existence को, synthetic culture को वापस लाने का, मरी नहीं है, कम हुई है, इसको वापस लाने का तरीका क्या हो सकता है? हम लोग थोड़ा सा जी, थोड़ा सा अन्यथा ही हम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मैं अपने गांव गया था, मैं अपने गांव गया था जब मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उत्तराखंड से गया था जी। आपको पता है मेरे पिताजी के मरने के बाद पूरा जो एक पूरा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो हजारों की संख्या में आया था, जिनके साथ मेरे पिताजी के अपने या तो जानते थे या फिर बहुत ही अंतरंग संबंध थे उनके। हम लोगों को लगा नहीं कभी, मुझे कभी नहीं लगा जब भी मैं गांव जाता हूं, मुझे जरूर लगता है जब मैं सोशल मीडिया पर जाता हूं, लेकिन मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो रही है, आप फिक्र मत कीजिए, वो सही हो जाएगी। ये देश जो है बड़ा बड़े कमाल का देश है, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही कमाल का देश है। ये आवाज द वॉइस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंथेटिक कल्चर और शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ लगातार भाईचारे पे, सौहार्द पे, हर कोई एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे और एक समाज जो है वो व्यक्तियों के बीच के संवाद से बनता है और वो संवाद कभी नहीं जाता।